देश ही नहीं विदेश में भी कान्हा जी के बहुत सारे भक्त हैं और सब उन्हीं को पसंद करते हैं और अलग अलग तरीक़ों से सजाते हैं। सुबह उठते हैं, कान्हा जी को नहलाते हैं, धोलाते हैं, तैयार कराते हैं और साथ ही रोज़ अलग अलग प्रकार की पोशाक भी बनाते हैं। आज हम आए हैं विदिशा में, जहाँ एक आंटी हैं जो कान्हा जी के कपड़े बनाती हैं और उन्हें सेल करती हैं। आइए मिलते हैं इनसे। नमस्ते आंटी। नमस्ते। तो आप ये काम कब से कर रही हैं आंटी जी? हमें कम से कम 8-10 साल हो गए। अच्छा, तो आपको कैसे आइडिया आया कि मैं कान्हा जी के कपड़े बनाऊँ? हम भैया जी घर के लिए भगवान के लिए कपड़े बनाए हमने, और हम फूल पिको का काम करते हैं तो हमने भगवान के लिए पोशाक बनाई, तो फूल पिको उठाने के लिए जो आई वो बोलने लगी कि ले आपके तो कपड़े बहुत सुंदर हैं, तो कहने लगे हमें भी देना बना के। हमने कि ठीक है, तो हमने बनाए, बच्चे कहने लगे कह लगे मम्मी बिक जाएंगे, हमने कि ठीक है बिक जाएंगे। बनाए हमने बहुत अच्छे कपड़े, तो उन लोगों ने खरीदे और उनने बहुत दिन तक यूज भी किए तो बहुत अच्छे निकले, तो फिर हमने बहुत ज़्यादा उसमें बनाए और 500-600 के कपड़े भी किए हमारे उस साल। और यहाँ पे कहाँ कहाँ से कपड़े लेने आते हैं? हमारे यहाँ इंदौर, भोपाल, कोटा से और सीगोर से और मतलब सागर से, मतलब जहाँ जहाँ से जिनको वैरायटी पता लगती है कि अच्छे कपड़े निकले सब जगह से आते हैं लेने के लिए। अच्छा, और मतलब एक दिन में आप कितने सेल कर देती हैं? मतलब गिनती नहीं है। हाँ, तो आइए, इनकी बेटी भी है जो इन्हीं के साथ आंटी की मदद करती है, इनसे भी बात करते हैं कि इन्हें मतलब पोशाक बनाना कैसा लगता है। तो आपका नाम? नैन्सी सोनी। तो आप भी कपड़े बनाती हैं? हाँ, मैं भी कपड़े बनाती हूँ। तो किस तरह मतलब कितने प्रकार के आप कपड़े बनाते हैं? हम लोग कम से कम 20 प्रकार के कपड़े बनाते हैं, अलग अलग, मतलब जिसके भी जौन से भगवान के कपड़े बनते, कपड़े बनते हैं मतलब हम सब भगवान के कपड़े बना लेते हैं। कम से कम मम्मी को 10 साल हो गए बनाते बनाते कपड़े, और है ना यहाँ पे मतलब हमें इतने कपड़े बिकते हैं कि हमें मतलब टाइम ही नहीं रहता कहीं जाने का, क्योंकि घर पे इतने कस्टमर आते हैं कि मतलब घर से ही हम सेल करते हैं कपड़े वगैरह। मतलब मेरा नाम रोहित है, मैं काफ़ी सालों से यहाँ से कपड़े खरीद रहा हूँ, काफ़ी अच्छे रहते हैं ये कपड़े, और मैंने कई बार मतलब सीज़न वाइज में खुद यहाँ से कपड़े लेकर मार्केट में अलग से शॉप लगाता हूँ, उसमें भी मुझे काफ़ी बेनिफिट होता है। और इसमें क्या है, एक सबसे अच्छी बात तो इन कपड़ों की ये है कि आपको जैसे मार्केट में काफ़ी दुकानें लगती हैं, पर जो ये कपड़े यहाँ से मैं ले के मार्केट में दुकान शॉप लगाता हूँ, सबसे अलग वैरायटी मिलती है। पहली बात तो क्वालिटी और वैरायटी के साथ काफ़ी अच्छे, मतलब मेरे खुद के कस्टमर काफ़ी अच्छे बन चुके हैं कि मतलब वो घर पे मतलब मुझसे अलग से कांटेक्ट करके पूछते हैं कि आपका स्टॉक अब कब ला रहा है वहाँ से, और ये काफ़ी सालों से मुझे काफ़ी अच्छा स्टॉक भी देती हैं ये। इसकी मम्मी ने पहले शुरू किया था, उसके बाद में ये भी देख देख के बनाने लगी और अनेकों प्रकार के कपड़े बना लेती हैं। यहाँ मंदिर हो उनका भी अगर इनके पास आर्डर आ जाए विष्णु भगवान के मंदिर का या शंकर जी का, तो ये हर प्रकार के पोशाक, बहुत अच्छी सफाई है इनके पोशाक में, तो इस हिसाब से इनका घर घर से सप्लाई करती हैं, जो भी कुछ इनको बनाना करना है घर से बिक जाता है इनका, और कम रेट में अच्छी पोशाकें मिलती हैं, मजबूत बनाती हैं, सुंदर बनाती हैं। पोशाक लेके पहले भी गई हूँ लेकिन बहुत अच्छी निकली, वैरायटी अच्छी रहती है इनके की पोशाक की, तो हमने ये वाली पोशाक बनवाई इनके अभी क्रीम कलर की। अब बाहर भी लेके गए तो भी सबने बहुत पसंद करा इधर के पोशाक को।